हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड के बारे में कि नए राशन कार्ड को कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं। आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बन रही मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और पास में बने घंटी का आइकन को भी दबा दो, जिससे आपको हमारी नई नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पर क्लिक करना है आपको, तो नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पर क्लिक करना है और यहाँ पे तीसरे नंबर पर फूड एंड सिविल सप्लाई, यहाँ पर क्लिक करना है आपको, तो एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ NFSA पर क्लिक करना है, फिर दोबारा आपको थर्ड नंबर पर NFSA पर क्लिक करना है। इस तरह आपके पेज खुलते रहेंगे। यहाँ कुछ इस तरह के साइड में बार आ जाएगा एक, तो यहाँ को आपको कर्जा लाना है। तो यहाँ आपको दे रखा है राशन कार्ड आवेदन नई प्रविष्टि पात्र स्त्री के लिए, यहाँ आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ फर्स्ट वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है, नई प्रविष्टि पात्र स्त्री, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो कुछ नया पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ आपको अपना जिला चूज करना है, मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ आपको अपना क्षेत्र चूज़ कर लेना है, मैं क्षेत्र चूज़ कर लेता हूँ अपना। ग्रामीण है तो ग्रामीण से, नगरी है तो नगरी चूज़ कर लेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करना है। तो एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा कुछ इस तरह का। यहाँ आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, मैं आपको बता दें क्या क्या फिल करना है। आपका विकास खंड चूज़ कर लेना है, मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ आपको ग्राम पंचायत चूज़ करनी है अपनी। और यहाँ आपको अपने कोटेदार का नाम चूज़ करना है। फर्स्ट टाइम आपको कुछ ग्राम पंचायत की वजह से एक ही आ जाएगा। आपको कार्ड का प्रकार आप पहले से चूज रहता है, अगर 18 वर्ष से कम की महिला, अगर आपके परिवार में 18 वर्ष से कम ज़्यादा की महिला नहीं है तो आप इस यहाँ चेक मार्क लगा देंगे, अगर हैं तो उन्हीं के नाम से आपका राशन कार्ड बनेगा। तो यहाँ आपको उनका नाम चूज़ कर लेना है जिसका नाम से राशन कार्ड बनाना, और हिंदी में और अंग्रेजी में। यहाँ पिता का नाम हिंदी में, पिता का नाम अंग्रेजी में, यहाँ पति का नाम हिंदी में डाल सकते हैं आप अगर शादी हुई है तो, और पति का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी में अंग्रेजी में। यहाँ आप अपनी जाति या वर्ग चूज़ कर लेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर आपको टाइप कर देना है। यहाँ जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आधार कार्ड नंबर आपको डाल देना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो मुखिया का आधार कार्ड नंबर डालेंगे सारा डिटेल स्पेलिंग वाइज आपको आधार कार्ड से देख के ही फिल करना है, नहीं तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ आपको वोटर आई डी कार्ड है तो डाल सकते हैं। जेंडर चूज़ कर लेना है आपको, ऑक्यूपेशन क्या है आपका, व्यवसाय है वो भी चूज़ कर लेना है आपको। यहाँ परिवार की आय डाल देनी है, गैस कनेक्शन है तो हाँ कर दें, नहीं है तो नहीं करें। और गैस एजेंसी का नाम फिल कर सकते हैं, और आप हमारे आपके पास है तो विद्युत कनेक्शन की स्थिति आप बता सकते हैं आपके पास है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में तो इतना ही होने वाला है, फिर सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ सारों के बारे में मैं बता देता हूँ, फिर मैं फिल करके आपको दिखाता हूँ। पहले से ही फिल कर लेता हूँ मैं। दोस्तों मैंने यहाँ बेसिक डिटेल को कर दिया, फिल करता हूँ आगे बढ़े पर क्लिक। तो कुछ इस तरह का आपके सामने नया पेज ओपन होगा, कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। बेसिक विवरण को सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया है। अब मैं जाता हूँ सेकंड स्टेप पर, यहाँ पर करता हूँ ओके पर क्लिक। कुछ इस तरह का आपका नया सेकंड स्टेप ओपन होगा। यहाँ मकान, फ्लैट नंबर, सेक्टर, लैंडमार्क, कॉलोनी, डिस्ट्रिक्ट, आपको पर्सनल जो है एड्रेस आपको यहाँ डालना है। तो मैं इसे फिल कर देता हूँ। ये मैंने डाटा फिल कर दिया है। यहाँ मैं सुरक्षित करें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देता हूँ। तो पते का भी विवरण आपको सुरक्षित होगा, यहाँ ओके पर क्लिक करना। तो थर्ड पेज सिंपली खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपको परिवार का सदस्य जोड़ना है, जो भी को जोड़ना, तो यहाँ नए परिवार का सदस्य जोड़े पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको डिटेल फिल करेंगे, सदस्य का नाम अंग्रेजी में, हिंदी में, जन्मतिथि, जेंडर, वार्षिक आय, पिता पति का नाम और रिलेशन चूज़ करना होगा। सदस्य जुड़े पर क्लिक कर देता हूँ, फटाफट ये डिटेल फिल कर देता हूँ। यहाँ आपको अपनी बैंक डिटेल फिल कर देनी है और सिंपली आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट फिल कर देने हैं। यहाँ आपको मुखिया का फ़ोटो अपलोड कर देना है, बैंक पासबुक और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, सभी की फ़ोटो कॉपी आपको अपलोड कर देना और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। बहुत जल्दी मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही मैंने आगे बढ़े पर क्लिक किया तो मुखिया की फ़ोटो को संलग्न कर दिया गया है।
सुरक्षित हो गए हैं, यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है आपको, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल बारे में, आपकी अपनी संपत्ति या इनकम के बारे में यहाँ आपको डिटेल फिल कर देनी है, और सुरक्षित करे पर क्लिक कर देता हूँ। तो जल्दी से मैं इन्हें फिल कर देता हूँ, फिर सुरक्षित करे पर क्लिक करता हूँ। यहाँ आपको चेक मार्क लगा देना है, सिंपली सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट टाइम कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें आपको राशन कार्ड नंबर मिल गया है कि राशन कार्ड के सभी भाग सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिए गए हैं, कृपया राशन कार्ड आईडी नंबर नोट कर लें। तो यहाँ इसका मैं एक फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ, यहाँ आपको ओके पर क्लिक कर देना है। फिर दोबारा से आपको यहीं वापस आ जाना है। आप यहाँ चेक फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं, मैंने ये प्रिंट कर लिया तो मैं प्रिंट नहीं करूँगा। यहाँ से आप चेक फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, और आपको यहाँ को आवेदक को आधार डुप्लीकेसी चेक हेतु अग्रेषण पर क्लिक करना है, और यहाँ आपको अपना जिला चूज कर लेना है। यहाँ आपको राशन कार्ड नंबर डाल देना है जो आपको अभी नया मिला था, आईडी नंबर जिसे कहते हैं, वो मैं फिल कर देता हूँ। और ये आधार डुप्लीकेसी चेक है तो अग्रेषण पर क्लिक कर देना है। तो इसमें आ गया, आप आवेदक को सफलतापूर्वक आधार डुप्लीकेसी चेक है तो अग्रेषित कर दिया गया है, कृपया आप 24 घंटे के उपरांत आवेदक को लॉक कर सकते हैं, जिसे आपने फाइनल लॉक करना होगा। यहाँ आपको ओके पर क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ साइड वाली बार में आ जाना है आपको, यहाँ आवेदक का संबंधित अधिकारी को अग्रेषण पर क्लिक करना है। कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आप जिला चूज कर लेना है, और आपको यहाँ राशन कार्ड नंबर डाल देना है, जो यहाँ से आधार को डुप्लीकेसी चेक हेतु से 24 घंटे बाद आपका वो स्वीकार कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको ये संबंधित अधिकारी को अग्रेषित करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इसी के बाद आपको 10 से 15 इसके बाद आपको राशन कार्ड की प्राप्ति रसीद को प्रिंट कर लेना है। जब आवेदक संबंधी अधिक अग्रेषण के बाद इसे रसीद को प्रिंट कर लेना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में मेरे घंटी के आइकन को भी दबा दो। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।